जा रहा हूं। हल्द्वानी हिंसा के बाद पूरे उत्तराखंड में अलर्ट है। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में एसपी अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। हर गतिविधि पर पुलिस की नजर है। हर छोटी बड़ी गतिविधियां पुलिस इस समय उसको देख कर रही है, पहुंच रही है। और उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार जिलों के एसपी जो हैं वो अलर्ट पर रखे गए हैं। संजय त्रिपाठी और मनोज वर्मा दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संजय त्रिपाठी से सीधा सवाल पूछ लेते हैं। संजय, अभी अलर्ट पर सारे जिलों के एसपी रख दिए गए हैं, उधम सिंह नगर के रख दिए गए हैं, देहरादून के रख दिए गए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि का बरसा जब कृषि सुखाने, पहले से ही अलर्ट पर होते और सही सही एक्शन लेते तो इतना बड़ा बवाल तो नहीं हुआ होता। निश्चित रूप से विवेक, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है और मैं आपको बताऊं कि अलर्ट तो पहले ही से था। अलर्ट इस बात का था कि जब यूसीसी विधानसभा से पारित हुआ तो उसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि कुछ लोग इसका विरोध कर सकते हैं और जुमे की जो नमाज होगी उसको सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारियाँ पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों में प्रशासन और पुलिस के लोग करें। अब स्थिति हाई अलर्ट की हो गई है, जिस तरह की हिंसा हल्द्वानी में हुई है उसके बाद हाई अलर्ट है पूरे उत्तराखंड में कि जो जुमे की नमाज है उसमें फोर्स लगा करके उस पूरे जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराया जाए। किसी भी तरह की जो रिपीटेशन है इस तरह की घटना का जो हल्द्वानी में हुई है वो ना होने पावे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आपने विवेक अभी कई सारे सवाल उठाए, एक सवाल ये भी उठता है जो अभी थोड़ी देर पहले डीएम और एसपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ये बात कही कि जिन लोगों ने हिंसा करी उसमें कुछ वो लोग थे जो कानून को ना मानने वाले थे और वो पुलिस और प्रशासन के लोगों को टारगेट करने आए थे, जानबूझ करके उन पर हमला किया, जानबूझकर थाना फूका गया, जानबूझ करके पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाया गया। तो आखिरकार ये निशाना बनाने के पीछे की वजह जब उनसे पूछी गई कि भाई इतना गुस्सा, इतना क्रोध यहाँ के लोगों में क्यों था, तो वो कोई जवाब नहीं दे सके। तो सोचिए, पुलिस प्रशासन, डीएम के पास, एसपी के पास किसी बात का जवाब ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो रही है, उसमें कई लोग मारे जा रहे हैं, 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं और उसमें किसी को कुछ मालूम ही नहीं कि आखिरकार ये घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है। जो लोग कल यहाँ घटना कर गए हैं वो कौन लोग हैं, मात्र 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो अब बहरहाल अलर्ट से बढ़कर स्थिति हाई अलर्ट की हो चुकी है और अभी जुमे की नमाज दोपहर में जब अदा की जाएगी, हालांकि बनभूरपुरा में पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है, यहाँ नमाज नहीं होने दी जाएगी क्योंकि धारा 144 भी लगाई गई है। तो ऐसे में उत्तराखंड के अन्य जिन जिलों में जुमे की नमाज अदा होनी है उनमें साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि पूरी तरह से एहतियात बरतें, पूरी तरह से पुलिस फोर्स और साथ में जो धर्मगुरु हैं उनसे संवाद करें, उनसे बातचीत करें कि किसी भी प्रकार की स्थिति ना बिगड़ने पावे, किसी भी प्रकार का रोष और जिलों में हल्द्वानी की तरह ना दिखने पावे। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। मनोज वर्मा, संजय जिस बात को कह रहे थे कि पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि उनमें जो गुस्सा था तो वो खास करके टारगेट करने के लिए आए थे, लेकिन टारगेट करने के लिए कौन लोग आए थे ये नाम अभी तक नहीं पता चल पाया है। 4 लोगों को पकड़ा गया है, तो सवाल यही है, आप ग्राउंड पे मौजूद हैं, आपको क्या लगता है कि ये लीपापोती क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो आला अधिकारियों से अभी तक हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कुछ 15 लोग चिन्हित किए गए हैं जो कि उस भीड़ को उकसा रहे थे, जो कि भीड़ का हिस्सा थे और उन्हीं 15 लोगों की वजह से ये पूरी की पूरी हिंसा हुई। उन 15 लोगों की पहचान के बारे में भी जो अभी तक सूत्र हमें बता रहे हैं कि उनकी पहचान कर ली गई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सिर्फ 4 ही लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है, इतनी बड़ी हिंसा हो गई और काफ़ी घंटे बीत चुके हैं इस हिंसा को, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 ही लोग गिरफ्तार है, जबकि 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया, थाने पर पथराव किया, थाने में आगजनी की, गोलियां चलाई, छतों से पत्थर बरसाए, इसके अलावा पेट्रोल बम भी चलाए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार अभी तक सिर्फ 4 ही लोग क्यों गिरफ्तार हुए हैं, अगर 15 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है तो उनमें से कोई भी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है। हालांकि प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि आसपास जितने भी तमाम सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको खंगाला जा रहा है और उनके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 ही लोग गिरफ्तार हुए हैं और वो 4 भी लोग कौन है उनके नाम भी अभी तक प्रशासन की तरफ से बताए नहीं गए हैं। ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है संजय त्रिपाठी और मनोज वर्मा की, इतनी बड़ी हिंसा और सिर्फ 4 गिरफ्तारी, आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने हिंसा भड़काई, आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने प्लानिंग की और आखिर वो कौन लोग हैं जो शायद ये कार्रवाई करने में गति को धीमी कर रहे हैं, रफ्तार धीमी कर रहे हैं, जब तक अब तक लगातार गिरफ्तारियां हो जानी थी, नाम सामने आ जाने चाहिए था, सबको पता लग जाना चाहिए था। अहम जानकारी आप लोगों ने ग्राउंड से दी, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।